गुड आफ्टरनून गाइस, टुडे आई एम डूइंग अ वेट कपिंग थेरेपी दैट्स कॉल्ड हजामा फॉर हेयर फॉल, बाल झड़ने के लिए या ग्रोथ किसी की सही तरह से नहीं हो पाती। तो ऑलरेडी ये एक मेरे सामने मेरे एक एज यू कैन सी या तो ऑलरेडी मैं इन पे वेट कपिंग या हजामा ऑलरेडी कर चुका हूँ ऑल ओवर। सो हेयर यू कैन सी कि कुछ जगह पे जब कप्स अप्लाई कर रखे हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा हैवी डिटॉक्सिफिकेशन या ब्लड कलेक्ट हुआ है एज यू कैन सी पीछे, और बाय साइड यू कैन सी लाइक हियर, क्योंकि ये पूरे टॉक्सिन्स होते हैं और इन हिंदी यू कैन कॉल इट गंदा खून या फिर एक ऐसे टॉक्सिक होते हैं जो ऑलरेडी कपिंग के अंदर नेगेटिव प्रेशर के ज़रिए से कभी कम आता है कभी ज़्यादा आता है। अब जैसे आप फ्रेंड में देख रहे हो, फ्रेंड के पॉइंट्स भी लिए हैं क्योंकि इनका हेयर फॉल हो रहा था कंटिन्यू फॉर्म में काफ़ी टाइम से, बट स्टिल इनको कहीं से इन्होंने मेडिसिन ली और चीज़ें ट्राई को रिजल्ट नहीं मिला। क्यों, क्या होता है बॉडी में किसी भी जगह अगर टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाती है तो नेचुरली वो चीज़ के रिजल्ट सही तरह से नहीं आते, चाहे आप कितनी भी मेडिसिन अप्लाई कर लें, नेचुरली चीज़ होती है। क्योंकि क्या है, कोई इंसान जेनेटिकली या पैदाइशी उसका हेयर फॉल नहीं होता, किसी न किसी केमिकलाइज की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से जो आपका रेनोवेशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, साइकिल जो होती है आपकी बालों की, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है। तो उसी कंडीशंस की वजह से जो वेट कपिंग होती है वह आपकी जो रूटिंग्स होती हैं, आपकी जो हेयर होता है वहाँ का सर्कुलेशन अच्छा करता है, टॉक्सिन्स रिमूव करने के साथ नए खून न्यू आरबीसीज करते हैं, जिसके बाद आपकी रूटिंग मजबूत हो जाती है और मजबूत होने के साथ ही आपका हेयर फॉल 2-3 सीटिंग्स के अंदर ख़त्म हो जाता है। तो वेट कपिंग थेरेपी जो ब्लड लेटिंग या हिजामा कहा जाता है, यह हेयर फॉल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इससे बहुत जल्दी रिजल्ट आता है और रिकवरी होती है। तो एज यू कैन सी ऑलरेडी मैं इन पर ये चीज़ कर ही रहा हूँ, तो ऑलरेडी मैंने इनके पूरे स्कैल्प पे 5 पॉइंट ले रखे हैं, फ्रंट 2 पॉइंट्स हैं एंड बैक 3 पॉइंट्स हैं, जिसमें एक इसमें ये हैवी पॉइंट हुआ है ऑलरेडी, बट ये पॉइंट कम है और ये पॉइंट कम है, एज यू कैन सी बोथ दैट साइड्स, बट इन फ्रंट 2 पॉइंट्स यू कैन सी देर वॉज आई गेस 5% ब्लड लेटिंग्स एंड दिस वॉज अबाउट 10-15% एंड इट वॉज अबाउट 50-70%। तो दैट्स कॉल्ड हजामा कपिंग थेरेपी, इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड वाइट कपिंग और डिटॉक्स थेरेपी डिटॉक्सिफिकेशन। तो ऑलरेडी ये बॉडी की क्लींजिंग के लिए या बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो हो जाते हैं, तो स्पेशली सर पे अगर हम लोग करते हैं तो बहुत सारे कॉजेज होते हैं, स्पेशली मैं आपको बता देता हूँ, जैसे माइग्रेन होता है, हेडेक्स होता है, हेयर फॉल होता है, हेयर ग्रोथ होती है, या देखा जाए तो हाई बीपीज वगैरह होते हैं, या जिनको नींद नहीं आती, नींद की गोली लेते हैं लोग एल्प्राजोलम, तो नींद अगर किसी को नहीं आती है तो उसके अंदर ये अगर वेट कपिंग सर पे करवाते हैं तो इनको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा, बहुत लाइट फील होगा, नींद बहुत अच्छे से आएगी। जो लोग बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन लेते हैं उसके अंदर ऐसी कंडीशंस में अगर ये सर पे कपिंग करवाते हैं वेट कपिंग, तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसी चीज़ों के अंदर इन्हें रिजल्ट अच्छा मिलता है। व्हाट इज़ दैट रेड लिक्विड, ये रेड लिक्विड जो है ये ब्लड है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कप के अंदर निकल रहा है ये खून ब्लड होता है। तो ये जो ब्लड होता है ये कप में पहले लगाया जाता है, फिर वहाँ रिमूव करा जाता है, वहाँ छोटे छोटे कट दिए जाते हैं, कट देने के साथ ही जैसे आप देख रहे हो ना ये ब्लड कलेक्ट हो रहा है इनके अंदर, ये तो ये रेड लिक्विड नहीं है, ये ब्लड है जो ऑलरेडी निकलना बंद हो चुका है, कलेक्ट हो चुका है। तो इसी ब्लड लेटिंग को दूसरी लैंग्वेज में वेट कपिंग, हिजामा, बेकाम, अदर जो लैंग्वेज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इन ईजी लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन, जो कि क्लींजिंग प्रोसेस होती है हमारी बॉडी की, ये डायरेक्ट कपिंग थेरेपी से किसी भी चीज़ में अगर करी जाए तो बहुत फ़ायदेमंद है। ये मैंने इनके हेड पे करी तो दैट्स कॉल्ड हेड कपिंग, तो ऑलरेडी इनकी क्लींजिंग करी गई है, जिसकी वजह से अब इनका हेयर फॉल जो ऑलरेडी हो रहा था अब नहीं होगा, उन्हें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो गाइज till now, see you soon, thanks, have a good day, bye.